गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज। भारत की खोज में हम चैप्टर 3 पढ़ चुके थे। चैप्टर 3 में पार्ट 5, चैप्टर 3 में हम पेज नंबर 32 तक पढ़ चुके थे और पेज नंबर 33 में हम फर्स्ट पैराग्राफ में 3-4 लाइन तक पढ़ चुके थे। आज हमको यहाँ से अब पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ रहे थे कि गीता का संदेश, हमने गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। इसमें कहा गया कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई, ठीक है। हम अपने महाकाव्य महाग्रंथों के बारे में पढ़ रहे थे और उनसे शिक्षा अर्जित कर रहे थे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और हास्य की प्रक्रिया से गुजरे हैं। बार बार परिवर्तन आया है समाज में, उनका समाज में उन्नति हुई है और उन्नति के साथ साथ फिर हास्य भी हुआ, नुकसान भी हुआ, अवनति भी हुई। इससे जो है भारतवासी गुजरे हैं, उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए, एक के बाद एक विचार सामने आए हैं, पर हम उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य के विचार विकसित होते गए हैं, लेकिन फिर भी गीता के जो विचार हैं वो मेल जो हमेशा उन विचार परिवर्तन होते रहे, लेकिन फिर भी गीता के विचार आज के विचारों से मेल जो है खाते रहे हैं। प्राचीन भारत में जीवन और कर्म के बारे में अब हम पढ़ेंगे। बुद्ध के समय से पहले का वृत्तांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। अंडरलाइन कर लीजिए, बुद्ध के समय से है पहले का वृत्तांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियों द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राम सभाएँ एक सीमा तक स्वतंत्र थी ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। आमदनी का मुख्य जरिया क्या था? लगान था। माना जाता था कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर, जमीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है। वो उसका भुगतान हमेशा तो नहीं, पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। वह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था। वह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था, इन्हें जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। जातकों के वर्णनों में से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यह विशेष दत्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गाँवों की स्थापना थी। इस तरह एक गाँव बढ़ैयों का था और एक गांव लोहारों का था, एक गांव बढ़ैयों का था और एक गांव लोहारों का था। इस तरह और पेशों के लोगों के गांव थे। ये खास पेशेवर लोगों के गांव, मतलब जिस तरह मनुष्य का पेशा था उसी तरह तो उसके गांव भी बट जाते थे। तो आमतौर पर शहरों के पास बसे होते थे। शहरों में उनके विशेष उत्पादों की खपत हो जाती थी और बदले में उन्हें ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था और बड़े ठेके लेता था। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा और इस तरह फिर आगे जाति का विकास हुआ होगा, ऐसा सोचते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ौच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवा जाया करते थे। भड़ौच में से जहाज बेबीलोन के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहाँ से दक्षिणी बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्रह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्रह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। वे ब्रह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं निश्चित रूप से उस मूल लिपि में है जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ है। अशोक के कुछ लेख ब्रह्मी लिपि में है। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्ठी लिपि में हैं।
ईसापुर छठी या सातवीं शताब्दी में पाणिनि ने, अंडरलाइन कर लीजिए, पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की है। पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की है। तो व्याकरण की रचना किसने की है? पाणिनि ने की है। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया है। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था और वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। हालांकि बाद के व्याकरणों से उसमें कुछ जोड़ा भी है और उसकी व्याख्या भी की है। यह दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था। औषध विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें भी थीं और अस्पताल भी। जनश्रुति के है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे। अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से आप अंडरलाइन कीजिए। औषधि विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें भी थीं, अस्पताल भी। जनश्रुति है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे, किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकें ईसवी सन की शुरू की सदियों में लिखी गई। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तकें हों और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। इन पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है और उनकी पहचान और इलाज के तरीके बताए गए हैं। और इनमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान, पथ्य सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य चिकित्सा प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीर फाड़ कराई जाती थी। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र किया है, साथ ही ऑपरेशन का भी, जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल हैं। घावों के जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाता था। ईसा पूर्व तीसरी चौथी सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। ये जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था, जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों ने के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे, जिन्हें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रमों के लिए को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। इन वन शिक्षालयों में प्रायः छोटे छोटे गुट रहते थे, गो कि इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा है। अंडरलाइन कर लीजिए, बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा है। बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला, अंडरलाइन कर लीजिए, प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला या तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था। और मतलब आपका प्रश्न बनता है कि तक्षशिला क्या है या कहाँ था या उसमें क्या शिक्षा दी जाती थी। ठीक, बन जाएगा। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे, उनकी बड़ी बड़ी कद्र होती थी। कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे, जो तक्षशिला का स्नातक था। जो तक्षशिला का पढ़ा लिखा होता था चिकित्सक, उसको ही बुलाते थे क्योंकि उसकी वो जो है बहुत मतलब होशियार रहता था। ईसा पूर्व छठी सातवीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने भी यही शिक्षा पाई थी। पाणिनि ने भी यही शिक्षा प्राप्त की थी। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था और बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया था। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। वो उस सुंदर अतीत के भारतीय कैसे थे, हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारियाँ उपलब्ध है उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। वे खुले दिल के अति आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे।
रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। अब आता है महावीर और बुद्ध। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था क्या कहलाई? वर्ण व्यवस्था जो है समाज को चार भागों में बांटा गया और उसके अनुसार वर्ण व्यवस्था मतलब जाति व्यवस्था किस प्रकार की थी इसके बारे में हमको बता रहे हैं। तो पहले जाति व्यवस्था कैसी थी, देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और उसकी शाखाएँ थीं, पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन है या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संघ बनाते हैं। उनके नज़रिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है, जिसमें इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर, अंडरलाइन कर लीजिए, जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे और दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई और तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। ठीक है, इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी ईसा पूर्व 487 दी। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियाँ बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को वैसाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैसाख मई जून के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी तिथि को उन्हें बोध प्राप्त हुआ था, बोध मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति भी इसी तिथि को हुई थी। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। उन्होंने आध्यात्मिक धर्म, वैज्ञानिक नजरिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की है। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था। उनका बल नैतिकता पर था और उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी। ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है, फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ है। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने सिकंजे में जकड़ लिया है। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग पहचान, अलग जात बन गई। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहसुर था और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था, इसलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है। तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में ज़्यादा स्वतंत्र रहा। अंततः वह भारत से बाहर निकल गया, वो कि भारत और हिंदुवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा।